राधाकृष्णा, मेरा नाम है डॉक्टर प्रतीक चौहान। आज हम यहाँ फिर से अपना टॉपिक को कंटिन्यू कर लेते हैं, परंतु मेरा टॉपिक आज जो जुड़ा हुआ है वो थोड़ा सा मनोविज्ञान से जुड़ा हुआ है। जैसे कि मैंने अपने पीछे भी मैंने 5 या 6 वीडियो मैंने मनोविज्ञान के ऊपर डाली थी, तो मुझे लगा कि आज फिर से काफ़ी समय बाद मुझे मनोविज्ञान के ऊपर वीडियो डालनी चाहिए, ताकि आप सभी लोगों को थोड़ा मार्गदर्शन मिल सके कि आप अपने रोगों को किस तरह से अपने आप को रोगमुक्त जल्दी से जल्दी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको 2-3 उदाहरण से सबसे पहले समझाना चाहूँगा। सबसे पहले मेरे क्लिनिक का उदाहरण खुद, जो कि मैं अपने पेशेंट से करवाता हूँ, और ये जो कार्य है मैं अपने जो मेरे पास में कैंसर पेशेंट हैं मैं उनसे करवाता हूँ, जिनको सोरियासिस है उनसे करवाता हूँ, जिनको ल्यूकोडर्मा सफ़ेद दाग है उनसे करवाता हूँ, और ये मस्ट है उनको करना, कि ये करना ही करना है। अब से 3 साल पहले या 4 साल पहले मेरा एक दूसरा चैनल है ए डिवाइन आर्ट ऑफ हीलिंग, उसमें मैंने हिप्नोसिस की मेडिटेशन वीडियो डाली थी, सम्मोहन की मैंने वीडियो डाली थी। जब वीडियो डाली तो कुछ लोगों ने उसको देखा, और फिर धीमे धीमे देखते देखते उस पर लाखों व्यूज़ हो गए और हज़ारों कमेंट उस वीडियो के नीचे हो गए। उस वीडियो में मुझे कमेंट काफ़ी अच्छे लगे। असल में वो वीडियो आधा घंटे की थी, या फिर एक वीडियो उसमें 1 घंटे की थी, और वह हिप्नोसिस की थी, सम्मोहन की थी। उसमें मैंने पर्सन को सम्मोहित किया था, और सम्मोहित करके उसको एक ऐसी जगह ले गया था जहाँ पर उसको काफ़ी आध्यात्मिक अनुभव हुआ था, काफ़ी दिव्य अनुभव उसको हुआ था, और काफ़ी अच्छा उनको रिलैक्स मिला, काफ़ी खुश हुए वो ये मेडिटेशन करने के बाद में। मैं लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दूँगा उसके, आप उनको देखिए और उनको मेडिटेशन कीजिए। तो पहले आप ये वीडियो सुन लीजिए पूरे, फिर आपको वरना वीडियो कोई लाभ नहीं मिलेगा, और जो कहना चाहिए जो दुनिया की जो सबसे अच्छी जानकारी है उससे आप छूट जाएंगे। ओके, तो क्या हुआ कि जब मैंने पेशेंट को मेडिसिन दी तो मैंने उनको 1 महीने केवल मेडिसिन खाने के लिए दिया, तो मैंने देखा कि हाँ चलिए ल्यूकोडर्मा में फ़र्क है। मैं उन पेशेंट का इंटरव्यू भी आपके साथ में शेयर करूँगा, ल्यूकोडर्मा में उनको फ़र्क है। फिर मैंने मेडिसिन के साथ में उनको वो हिप्नोसिस मेडिटेशन करने के लिए दी, और रिजल्ट बहुत अमेजिंग थे। दूसरा अमेजिंग मतलब कि उनका बहुत तेज़ी के साथ में ठीक हुआ। दूसरा, अभी आपने एक स्टडी पढ़ी होगी कि जब अमेरिका के अंदर 2 कैदियों को मौत की सज़ा सुनाई गई, तो जो हमारे डॉक्टर्स थे उन्होंने देखा कि उन्होंने ये जानने की कोशिश की कि हमारा दिमाग किस तरह से काम करता है, तो हमारे दिमाग किस तरह से काम करता है केवल ये जानने के लिए उन पेशेंट्स को ये कहा गया, मतलब उन दोनों व्यक्ति को ये कहा गया कि आपको मौत की सज़ा सुनाई गई है, परंतु मौत आपको फांसी से नहीं होगी, हम आपको कोबरा के विष से कटवाएंगे और उससे आपकी मौत होगी। उनको 5 या 6 दिन पहले बता दिया गया था कि आपको कोबरा से कटवाएंगे, आपके यहाँ पर पट्टी बांध देंगे, कमरे में कोबरा से, जिस कमरे में कोबरा होंगे उसमें बंद कर देंगे, सांप आपको काट लेगा और आपकी मृत्यु हो जाएगी, उस तरह से उनको बताया गया। अच्छा, फिर उनको वो लिटरेचर दिए गए कि कोबरा के काटने के बाद में क्या होता है, कैसे होता है, किस तरह से आदमी की मृत्यु होती है, मतलब कि 5-6 दिन उनको पूरी तरह से ट्रेन किया गया। 6वें दिन उनको दोनों को कुर्सी से बांधा, आँख पे पट्टी बांधी और उनको केवल एक पिंच उभो दी जिसमें कुछ भी नहीं था, और उन दोनों लोगों की भी मृत्यु हो गई। और फिर जब उनके बाद में पोस्टमार्टम किया गया, तो पोस्टमार्टम में कोबरा के विष काटने से जो विष शरीर के अंदर मिलता है उन लोगों के अंदर वही विष मिला। अब ऐसा क्यों? कोबरा ने उनको नहीं काटा, परंतु शरीर के अंदर उनके विष मिला, यानी कि हमारे मन के अंदर जहर पैदा कर लेता है, यानी कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीते हैं। तो आप अपने रोग को ठीक करने के लिए कैसे अपने मन को काबू कर सकते हैं? आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे दिमाग के मुख्यतः 2 हिस्से होते हैं, एक कॉन्शियस और एक सबकॉन्शियस। मैंने कई बार आपसे ये कहा है कि हमारा सबकॉन्शियस ब्रेन हमारा 95% लाइफ को कंट्रोल करके चलता है, यानी कि आज हमारा जीवन जो कुछ भी है, या आज हमारे साथ में जो कुछ भी हो रहा है, हमारी शादी कहाँ हुई है, हम कहाँ पैदा हुए हैं, हमारे लाइफ में क्या घट रहा है, हमें कितने दुख तकलीफ मिल रहे हैं, हमें कितनी बीमारियाँ हैं, ये हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन का हिस्सा है, कि अब हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन ने हमें बहुत अच्छे से कंट्रोल किया हुआ है। हम किन बीमारियों से सफ़र कर रहे हैं, हमारे आने वाला भविष्य कैसा होगा, ये हमारा सबकॉन्शियस ब्रेन कंट्रोल करके चलता है, जिसके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं है। परंतु क्या हो कि अगर हम उल्टा अपने सबकॉन्शियस ब्रेन को कंट्रोल कर लें, तो कैसे हो?
तो यही चीज़ मैंने अपने पेशेंट्स के लिए अप्लाई की और मुझे रिजल्ट बहुत अच्छे मिले। यहाँ तक कि कैंसर में भी, ब्लड कैंसर एक महीने में काफ़ी हद तक वो ठीक हुआ। ल्यूकोड्रमा के कई पेशेंट मैंने ठीक किए मेडिटेशन से, और सोरियासिस के कई पेशेंट ठीक हुए मेडिटेशन से, मेलाज्मा के कई पेशेंट ठीक हुए मेडिटेशन से। मैं जानकारी आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं कि केवल आप दवाई ही खा के ठीक हों, ज़रूरी नहीं कि आप एक हेल्दी डाइट फॉलो करके ठीक हों, ज़रूरी नहीं है कि आप जिम जाकर ठीक हों, ज़रूरी नहीं कि आप होम्योपैथी, एलोपैथी या यूनानी या फिर आयुर्वेदिक दवाई खा के ठीक हों। हो सकता है कि आप मेडिटेशन करने से ठीक हो जाएं, आप अपने सबकॉन्शियस ब्रेन को ट्रेन करने से ठीक हो जाएं, क्योंकि हमने इसके इफ़ेक्ट देखे हैं। और केवल मैं ही ये चीज़ नहीं बता रहा हूँ, इसमें जो दुनिया के काफ़ी आध्यात्मिक गुरु हैं, जैसे दलाई लामा हो गया या सदगुरु हो गया या फिर ओम शांति वाले हैं, ये सभी चीज़ें यही चीज़ें बताते हैं कि आप अपने सबकॉन्शियस को कैसे कंट्रोल करके अपने बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। और ये जो जानकारी है, ये अभी की जानकारी नहीं है कि ये अभी हाल फिलहाल में आई है, ये तो हज़ारों वर्ष पुरानी जानकारी है। ये तो भगवान श्री कृष्ण, भगवान राम के समय की जानकारी है, जो कि हम भूल गए हैं, अपनी संस्कृतियों को हम भूल गए हैं, हमारे वेदों में, ग्रंथों में क्या ज्ञान था हम उसको भूल गए हैं। तो बस वो चीज़ मैं आपके यहाँ साथ में यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। तो जब हम, जैसे हमारा सबकॉन्शियस ब्रेन हमें कंट्रोल करके चलता है, और आपकी बीमारी क्यों नहीं ठीक हो पाती, जब आप रात में आप सोने के लिए जाते हैं तो पहली बात आपके दिमाग के अंदर हमेशा नेगेटिव ख्याल रहते हैं कि यार उस बंदे ने आज मुझे ये कह दिया तो मेरे साथ में ऐसा हो गया, अब मेरी बीमारी कभी ठीक नहीं होगी, मेरी बीमारी कभी ठीक नहीं होगी। आप ये सोचते सोचते सो जाते हैं, आप योग निद्रा में चले जाते हैं, यानी कि आप आत्मसम्मोहन में घिर जाते हैं। और जब आप सोते हैं तो वो जो 8 या 12 घंटे की जो आपकी नींद है, उसमें जो सबकॉन्शियस ब्रेन आपका लगातार कह रहा है कि आप ठीक नहीं होंगे, आप ठीक नहीं होंगे। जबकि नींद के अंदर सबसे अच्छी हीलिंग होती है। आपने देखा है कि जब आप बीमार पड़ते हैं और अगर आप सो जाते हैं तो आप काफ़ी रिलैक्स महसूस करते हैं, जब आप थक जाते हैं, जब आप सो जाते हैं तो काफ़ी रिलैक्स महसूस करते हैं। वो इसलिए क्योंकि नींद एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है आपके शरीर का। अगर आप 50 साल जीते हैं तो 50 साल में तो 20 साल आपके सोते हुए गुजर जाते हैं, तो केवल 30 साल आपके जागते हुए गुजरते हैं। तो 20 साल को हम ऐसे ही छोड़ दें, 20 साल पे हम ध्यान ना दें, जबकि वो 20 साल आपके कई जन्मों को कंट्रोल करके चलते हैं, कई जन्मों को वो प्रभावित करते हैं आपके 20 साल। तो उन 20 साल पे हमें ध्यान देना है। तो अपने करना क्या है, सिंपल चीज़ है कि आप जब आप रात में सोने के लिए जाएं तो आप एक पॉजिटिव सोचें कि मैं हेल्दी हूँ, मैं खूबसूरत हूँ, मेरी स्किन बहुत अच्छी है। अगर आप स्किन की बीमारी से पीड़ित हैं तो, या अगर आप किसी भी रोग से पीड़ित हैं तो आप कहिए कि मैं हेल्दी हूँ, मैं खुश हूँ, मैं हेल्दी हूँ, सब कुछ लाइफ में अच्छा चल रहा है, सभी लोग खुश हैं, पूरी सृष्टि खुश है, मैं भी खुश हूँ। और सभी के लिए प्रार्थनाएँ आप कीजिए कि सभी लोग खुश हैं। और ऐसा आप एज्यूम कीजिए, ऐसा आप सोचिए, ऐसा आप विचार कीजिए, सोचिए, आंखें बंद करके विचार कीजिए और उसको फील कीजिए अपने अंदर, वो एनर्जी को अपने फील कीजिए कि हाँ आप खुश हैं, आप एनर्जेटिक हैं, सभी लोग दुनिया में खुश हैं, सभी लोग हैप्पी हैं और सभी लोग स्वस्थ हैं, सभी लोगों को कोई तकलीफ नहीं है। फिर आप देखना 15 डेज के अंदर आपके शरीर के अंदर एक बहुत बड़ा चेंजेस आएगा, और ये चेंजेस आप मुझे खुद कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो ये चीज़ें हमने कई हज़ार पेशेंट्स के ऊपर ट्राई की हैं, तो आप भी कीजिए, इस चीज़ को आपको ज़रूर लाभ मिलेगा। अच्छा, अगर आप कहते हैं कि हम इस चीज़ को फोकस नहीं कर पाएंगे, तो उस चीज़ के लिए गाइडेड मेडिटेशन भी बनाई है। जो लोग फोकस नहीं कर पाते कि डॉक्टर साहब हम नहीं कर पाएंगे, ये चीज़ हमसे नहीं हुआ, क्योंकि बार बार नकारात्मक ख्याल हमारे दिमाग के अंदर आते रहते हैं। हम कितना भी अच्छा सोचने की कोशिश करें, चलिए मान लीजिए हम रात में ये सोच के सोते हैं कि हम सब कुछ ठीक है, परंतु बुरा ख्याल बीच में आ ही जाता है, तो उसके लिए हम क्या करें। तो उसके लिए हमने 3 साल पहले गाइडेड मेडिटेशन बनाई थी, जब तो मेरा ये चैनल भी नहीं था। उस समय पर हमने गाइडेड मेडिटेशन अपने पेशेंट्स को हम कराते थे और रिजल्ट उसके बहुत अमेजिंग मिलते थे। चाहे दवाई आप खाइए, चाहे दवाई आप मत खाइए, और उनमें से दवाई कुछ पेशेंट ने खाई है और कुछ हज़ार पेशेंट ने दवाई भी नहीं खाई है, फिर भी उनको रिजल्ट बहुत अच्छे थे। सिंगापुर की एक महिला हैं जो पिछले 3 साल से नींद की गोलियां ले रही थी, और जब उन्होंने फर्स्ट टाइम मेडिसिन किया तो 15 मिनट के अंदर उनको इतनी अच्छी नींद आई और वो 8 घंटे बाद सो के उठी, और 8 घंटे बाद सो के उठने के बाद उन्होंने मैसेज किया कि 3 साल बाद आज पहली बार मैं बिना नींद की गोली खा के सोई हूँ, और जब मैं उठी हूँ तो इतना फ्रेश उठी हूँ कि बिल्कुल चमत्कार सा
हो गया है मेरी लाइफ में, चमत्कार सा घटा है मेरी लाइफ में। तो ये मेडिटेशन का फायदा है। तो अगर आप अपने अपने दिमाग से नहीं कर सकते हैं तो केवल गाइडेड मेडिटेशन को आप फॉलो कीजिए। गाइडेड मेडिटेशन में कुछ भी नहीं करना होता है, सिंपल जो हमारी वीडियो हमने बना रखी है उसको आपने लगाना है फ़ोन में, अपने ईयरफोन कान में लगाना है, जब सोने के लिए जाएं तो कानों में लगा लीजिए और बस आंखें बंद करके बस वो सुनते जाइए जो हम आपको कह रहे हैं। वो संगीत आप सुनिए जो कि म्यूज़िक के बीच में बैकग्राउंड में चल रहा है, और जो हम आपसे कह रहे हैं केवल आप उसको फॉलो करते जाइए, बाकी कुछ भी नहीं करना है। मेडिटेशन करते करते आपको नींद आ जाएगी। और अगर आप इसको करते हैं केवल एक महीना आप कीजिए और फिर आप अपनी लाइफ के अंदर चेंजेस देखिए। केवल आपकी बीमारी ही नहीं, आपके लाइफ के अंदर जो आपका भाग्य है आपका वो तक बदल जाएगा, क्योंकि आपका भाग्य आपके हाथ में ही है, आप खुद ही अपना भाग्य लिखते हैं। मैंने कहा ना कि जो कुछ भी हुआ है वो आपका ही, आपके ही भाग्य का परिणाम है, या आपके ही कर्मों का, या आपके ही सबकॉन्शियस का परिणाम है। कुछ लोग कहते हैं कि जी भाग्य तो पहले से लिखा हुआ आता है, इसका मतलब जब भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत कराए थे तो महाभारत पहले से लिखी हुई थी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो कर्मों के हिसाब से बन जाता है। अगर दुर्योधन द्रौपदी का चीरहरण ना करता तो महाभारत कभी भी ना होती, है ना। तो ये तो कर्मों का फल है। अगर उसको सद्बुद्धि होती और वो उसके अंदर अगर सात्विक गुण होते तो कभी ऐसा कार्य ना करता और कभी भी महाभारत नहीं हो सकता था। तो ये हमारे कर्मों का फल है, जो भी हम कुछ भुगत रहे हैं, वो चाहे बीमारी हो चाहे हमारे लाइफ के अंदर कुछ भी हो रहा हो। तो जब आप रात में सोने के लिए जाइए तो आप अच्छे वर्ड का यूज़ कीजिए। पूरा संसार खुश है, सभी लोग खुश हैं, मेरे पड़ोसी खुश हैं, पूरा संसार खुश है, मैं भी खुश हूँ, मैं भी स्वस्थ हूँ। ओके, केवल बस इतना, कोई बीमारी का नाम नहीं लेना, कुछ नहीं लेना। सारा संसार खुश है, मेरे पीछे आप बोलिए आंखें बंद करके, सारा संसार खुश है, मैं खुश हूँ। सारा संसार स्वस्थ है, मैं स्वस्थ हूँ। सारा संसार हैप्पी है, मैं हैप्पी हूँ। सारा संसार स्वस्थ है, मैं स्वस्थ हूँ। केवल और केवल अगर ये मंत्र है, अगर ये केवल मंत्र आप लगातार बोलते चले जाते हैं तो इसी मंत्र का आपके ऊपर बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा रात को सोते हुए। और इस मंत्र को जपते जपते आप रात को सो जाएं और 15 डेज बाद आप देखना कि आपके लाइफ के अंदर चमत्कार हो जाएगा। अगर आप कोई भी बीमारी से पीड़ित हैं, वो चाहे कोई भी बीमारी हो, आप देखना उसके अंदर ड्रामेटिकली चेंजेस आएगा, आपको बहुत तेजी के साथ उसका प्रभाव होगा। अगर नहीं कर सकते हैं, नकारात्मक ख्याल आपके मन के अंदर आते हैं, तो उसके लिए गाइडेड मेडिटेशन हमारी है, मैं पिन कर दूंगा कमेंट बॉक्स में, आप उनको देखिए और उनको आप कीजिए। हमारा मकसद केवल इतना है कि आप सभी लोग खुश रहें और स्वस्थ रहें। चलिए प्रार्थना करूंगा, आप सभी लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें और परमात्मा सभी का भला करें।